बहू और फ्लेमिंगो। जी हाँ, यही है आने वाली वेब सीरीज का नाम, जो डिज्नी हॉटस्टार पर 5 मई को रिलीज होगी। और सास बहू और बेटियां में टीम सास बहू और फ्लेमिंगो की 3 बहुएं हैं, जो है राधिका मदान, ईशा तलवार और अंगिरा धर। इन तीनों से की हमने खास मुलाकात और साथ है डायरेक्टर होमी। वैसे ये है क्राइम ड्रामा सीरीज जिसमें 3 बहुएं और सासू माँ की कहानी है। सासू माँ का किरदार निभा रही हैं डिंपल कपाड़िया। तो आइए इन 3 बहुओं और डायरेक्टर से करते हैं बातें और जानते हैं इस सीरीज में क्या कुछ है खास। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है द टीम ऑफ सास बहू और फ्लेमिंगो। हेलो, हाय। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं, हमारे आज तक पे एक शो है सास बहू और बेटियां, तो आप लोग ने ऑलमोस्ट यस तो इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज हमारे लिए किए हैं पहले भी। सो पहले तो आपने चुराया टाइटल, ये बता दूं मैं आपको। तो ये टाइटल पहले क्यों सोचा, कैसे आपने, कुछ और था टाइटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बताइए। Called, I can't remember. We preferred this. It's more quirky and more applicable because the brand that of the drug that the women make is called Flamingo. थोड़े मैंने जो आपके ट्रेलर के नीचे जो reactions आए हैं वो लिखे हैं। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। That's one thing I've not read. So this is what we needed: desi feel with angrezi tadka. Looking forward to it. One of the reactions. Now this reminds me of Gangs of Wasseypur's Ambush. Homie never disappoints. Looks like complete madness. Waiting with bated breath for this surprise. Dimple ji, Isha, Radhika and Angira are gonna make this amazing watch. So I am sure मैंने जब मैं बैठी थी और बाकी सबका रिव्यू देख रही थी, never doubt the audience. Yes, absolutely. And even my friends from the industry, they are loving the first 2 episodes that they have watched. So I am very sure that अभी तो पक्का है कि बहुत ही अच्छी सीरीज आपने बनाई है. If you like the first 2 episodes, then we are on a winning wicket because believe me, the second half of the season is on, it's like a roller coaster from hell. Why do you say that? Because the twists and turns and the writers have written such brilliant cliffhangers and the way the character arcs become, I mean, it just all becomes, you emotionally really invest in the journey. Tino ladkiyon ke liye, how refreshing it is right now to specially portray these characters and ye stories aise likh characters or stories aise likh rahe specially females ke liye, to how refreshing are you all feeling? Sabke liye ye. चलो बोलो। ऑफ कोर्स इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स न्यू, वी आर, आई मीन वी सी विमेन लेड फिल्म्स, बट द ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट इट्स नॉट समथिंग दैट्स काइंड ऑफ कंटेन्ड इन टू अस, इट्स जर्नी, इट्स द जर्नी ऑफ ईच एंड एवरी वूमन, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, यू नो, यू सी देम स्टार्ट टू फिनिश. And hopefully if there's a season 2, then we'll talk about that then. But, so of course it's exhilarating because you get to do everything. You get to do action, you get to do drama, you get to play different emotions in this one series all put together. So you no human is black or white. You get to portray the grays. Yeah. And it's all out there for you to, for the audience to consume, to feel as we felt. It's very immersive. So I would say, yeah, I mean, nothing like it. Radhik. The pumpkin seed. Hindi. Hanji. सारे जो किरदार हैं वो इतने, उनका जो ग्राफ है इतना वेल फेच्ड है. आप कभी, अब यूजुअली जब आप कोई भी एक शो देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ इन दो कैरेक्टर्स को अच्छे से फेच किया हुआ है, बाकी डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत डाले हुए. बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि छोटे से छोटा कैरेक्टर भी बहुत ब्यूटिफुली वेल फेच्ड है. तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली इस प्रोजेक्ट के अंदर. एंड मुझे तो कभी कभी दूसरे कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाती थी, अगर जैसे अंगिरा या ईशा का भी सीन शूट हो रहा है, मुझे पता है कि आज शूट हो रहा है, तो मुझे लगता था कि क्या हो रहा है, अरे आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है. तो अगर मेरी छुट्टी भी है तो आई यूज्ड टू बी एक्साइटेड फॉर देम.
तो जब आप एक ऐसी कलेक्टिव एनर्जी के साथ एक प्रोजेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ मैजिक आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि आप प्रोजेक्ट का भला सोच रहे हैं, आप अपना नहीं सोच रहे हैं, थोड़ी सेल्फिश एनर्जी नहीं होती है, सबके लिए सोचते हैं, सबको सबके साथ चलते हैं। आई थिंक ये ड्रीम पाथ्स इतने ईजिली नहीं मिलते हैं एंड बहुत अच्छे से लिखा है। आई थिंक OTT के साथ सबको मौका मिल रहा है अच्छे रोल्स करने का, धीरे धीरे यू नो अलग टाइप की कहानियाँ बोली जा रही हैं, तो मुझे इस वक्त पे आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक्टर हूँ इस टाइम पर। ऐसे कभी हुआ कि यू थॉट कि आई कुड प्ले दैट कैरेक्टर, ऐसे कभी जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा तो डिड यू थिंक कि मैं कोई और कैरेक्टर कर लूँ? इसने मेरा ऑडिशन दिया था, मैंने भी इसका पार्ट पढ़ा हुआ था, बट आई थिंक जब मिल गया तो आई वाज फेली हैप्पी विथ बिजली। आई एम जनरली अ वेरी इंस्टिंक्टिव ह्यूमन बीइंग, इफ आई लाइक समथिंग एंड आई नो दैट आई वांट टू डू इट, अगर मुझे वार्तालाप अगर मुझे मैं कुछ अगर जब पढ़ती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मेरी कॉलिंग है तो देन आई गो फॉर इट, मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट। तो जब ज़्यादा सोचना पड़ता है किसी चीज़ के बारे में कि करूँ नहीं करूँ, देन आई इनवेरेबली मैं कभी आई डोंट एंड अप डूइंग इट। राधिका जी, मेरे को बे इंतहा मोहब्बत है अपने किरदार से, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ शांता ही प्ले करना था और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को हाँ कि मेरे को ये किरदार निभाने का मौका मिला। हाउ वॉज इट वर्किंग विद डिम्पल मैम, बिकॉज इवन मैंने उनके जो रिव्यूज़ जो आए हैं उनके लिए नीचे ट्रेलर के वो मैंने नहीं पढ़े, बट आई वॉन्ट टू नो, एवरी वन हैज जस्ट सेड इट इज mind blowing looking at her is like kuch bol nahi sakte, she is brilliant with whatever she does and I think this year is hers definitely, yeah, ho gaya fir Pathaan ho gaya now this definitely. So totally it's her year. I want to know from all of you all, how was the experience with her? बहुत मस्ती खो रहे हैं वो, रियली हाँ बहुत मस्ती करती हैं वो, she doesn't seem like that, no not at all, that's the beauty of it, she'll never You'll never be able to tell what's happening in there, but there's lots of fireworks happening the time. Wow. Kutte did, matlab critically it was really, you know, acclaimed, but box office mein utna dhamaka nahi kar paaye. Disappointed with that? जी वो चीज़ तो अपने हाथ में होती नहीं है, मुझे लगता है हमारे हाथ में तो ऑनेस्टी के साथ किरदार निभा दो और फिर छोड़ दो, यही अपने हाथ में होता है और कुछ भी नहीं होता। अब वो ट्रांसलेट हुई है कि नहीं है, बहुत फैक्टर्स होते हैं एक मूवी के अंदर, क्या आप चीज़ वर्क करिए क्या चीज़ नहीं करिए, मैं सिर्फ अपना पार्ट कर सकती हूँ पूरे अपने दिल से, अगर मैंने उसमें चोरी नहीं करी तो मैं आराम से रात को सो सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने उसमें चोरी की है नो मैटर वो 100 करोड़ भी कमा ले 200 करोड़ भी कमा ले, मुझे खुद को एट द एंड ऑफ द डे फेस करना है, मैं बोलूँगी यार चोरी करिए और ये सही है। आप लोग ने एक्शन की है पूरी सीरीज में, सबसे डिफिकल्ट क्या रहा, मजा कितना मजा आया पहले ये बताइए, सब लोग बोलते हैं यार आई डोंट फाइंड एक्शन करते समय आई लव इट, आई लव इट, आई थिंक वी शुड स्टार्ट मेकिंग मोर ऑफ एक्शन फिल्म्स फॉर फिल्म फॉर फीमेल्स, यस प्लीज, यस ना आप सॉरी आप कुछ बोल रहे थे प्रकाशा, मेरे लिए हल्का मुश्किल था, मेरा पहली बार किया मैंने, उसके कोरियोग्राफी मैकेनिक्स होते हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, फिर सर आए उन्होंने कहा जाइए मैदान में कूदिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट था बट मजा आया करके, मजा आया। ऑल द वेरी बेस्ट, बट पहले सबसे बड़ा कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सास बहू और फ्लेमिंगो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑन 5th मई। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।